मित्रों नमस्कार संस्कृताय। आज हमारा नया टॉपिक है समास। हमने बताया था कि प्रत्यय के बाद हम समास पढ़ाएंगे, तो समास क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं और समास में कैसे पद होते हैं, समास किन शब्दों को मिलकर बनता है, इन्हीं सब की चर्चा आज हम करेंगे। आज समास के या समास में प्रवेश करेंगे और अगले वीडियो से हम एक एक समास के बारे में आपको व्याख्यायित रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि यहां से कोई भी वीडियो डाली जाए उसकी सूचना आपको प्रथम बार या तुरंत मिले। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ज्ञान की बात। तो आज समास के बारे में चर्चा करेंगे, समास होता क्या है। तो हमने पहला ही लिखा है कि अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास है। अनेक पदानाम माने अनेक पदों को मिलाकर एक पद भवन होना ही क्या कहलाता है, समास। अनेक पदों को मिलाकर एक पद बन जाना ही समास कहलाता है। दूसरा है समास में सम उपसर्ग है, अस धातु है, घ प्रत्यय है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको रखे ध्यान में रखे रहिएगा। समास में पूछ लेगा कौन सा प्रत्यय है, तो घ प्रत्यय है, और कौन सी धातु है, अस धातु है। तो सम माने बराबर, अस माने होना, अनेक पदों को मिलाकर उसी के जैसा ही अर्थ देना ही समास कहलाता है। सम माने बराबर, अस माने होना, माने समास का अर्थ होता है अनेक पदों को मिलाकर एक पद बनाना, और वह पद क्या हो वैसा ही अर्थ दे, उसे समास कहते हैं। तो समास में सम उपसर्ग है, अस धातु है, घ प्रत्यय है। तो सम माने बराबर, अस माने होना, अनेक पदों को मिलाकर उसके जैसा ही अर्थ देना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समास में दो पद बड़े बड़े हैं उनको इस प्रकार से मिलाया जाता है कि उनका आकार छोटा हो जाता है लेकिन अर्थ वही देता है। तो समास को तीसरे नियम में लिखा ही है, संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। अर्थ वही देगा, उसके आकार में छोटापन हो गया तो वह अर्थ उसके जैसा दे रहा है, इसीलिए समास को संक्षेपीकरण भी कह सकते हैं। समास का अर्थ होगा संक्षेपीकरण, बड़े से बड़े पदों को छोटे अर्थ में व्यक्त करना और अर्थ भी वही दे। समास छह प्रकार के होते हैं, यूपीटेट में जब भी कभी पूछेगा, क्योंकि आपके हाई स्कूल और इंटर में छह प्रकार के ही समास बताए गए हैं, तो आपका ऑप्शन अगर आएगा तो आप जो है छह प्रकार का मारिएगा। हम लोगों को अगर मारना होता या हम लोगों को ट्रिक लगाना होता या जैसे टीजीटी पीजीटी में पूछता, तो हम लोग समास का जो लोक सिद्धांत कौदी में लिखा है समास पंचधा, समास पांच प्रकार के होते हैं। उसमें जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही कर्मधारय और द्विगु को माना जाता है, लेकिन हाई स्कूल और इंटर में छह प्रकार के समास होते हैं। तो आपके ऑप्शन में अगर छह हो तो छह ही समास मारना चाहिए। तो यह कुछ समास के बारे में थे। तो पहला हमारा समास है अव्ययी भाव समास होना। अव्ययी माने अव्यय, व्यय माने होता है खर्च करना, अव्यय माने खर्च न करना। तो जिसके स्वभाव में ऐसे शब्द या ऐसे समास कि जब वह अव्ययी भाव समास हो जाए तो उनके स्वभाव में कभी भी परिवर्तन ना आए, ऐसे समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती, पूर्व पद की प्रधानता इसलिए होती है कि पहला पद या तो हमेशा अव्यय रहेगा, जब अव्यय हमेशा रहेगा तो जिस पद के साथ जुड़ता है पूरे पद को जो है वह अव्ययी बना देता है, अर्थात पूरे पद को अव्यय बना देता है, इसीलिए इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में इसके भी दो भेद हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष, व्याधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष में दोनों पदों में समान विभक्तियां लगती हैं और व्याधिकरण तत्पुरुष में दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां लगती हैं। तो यह हमारा तत्पुरुष था। उसके बाद आ गया बहुव्रीही। बहुव्रीही में हमने बताया कि अन्य पद प्रधान होता है, वह ना तो पहला पद अपने अर्थ का प्रधानता देगा ना दूसरा पद अपने अर्थ की प्रधानता देगी, दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की प्रधानता को बताएंगे।
तो ऐसे समास को बहुव्रीही समास कहते हैं। द्वंद समास का अर्थ होता है द्वंद्वों का अर्थ ही होता है लड़ाई झगड़ा। जैसे मुक्का मुक्की कौन सा समास है, हिंदी में अगर पूछा जाए मुक्का मुक्की, संस्कृत में ऐसे शब्द नहीं मिलेंगे मुक्का मुक्की, तो मुक्का मुक्की द्वंद्व समास, हिंदी में उल्लात घुसा द्वंद्व समास। इस प्रकार से संस्कृत में भी जहाँ पर द्वंद्व आपस में एक दूसरे के विपरीत हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्यय भाव में पूर्व पद प्रधान, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान, बहुव्रीही में अन्य पद प्रधान और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। पांचवा हमारा कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य भाव होते हैं, विशेषण और विशेष्य भाव होते हैं। तो जहाँ जहाँ पर कर्मधारय माने कर्म को धारण किए हुए जो जो वस्तु जहाँ जाएगी, अगर उसके साथ वह हुआ विशेषण विशेष भाव जा रहा है तो वहाँ पर जो है कर्मधारय समास होगा। तो जब हम इसको जब इस समास को पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम इसकी जो है व्याख्या करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कर्म को धारण करके कैसे कैसे जाया जाता है। जैसे कृष्ण सर्प है, कृष्ण सर्प अर्थात काला सांप, सांप जहाँ जहाँ भी जाएगा अपने साथ कृष्णत्व को साथ लेकर जाएगा, इसीलिए कृष्ण सर्प में क्या है कर्मधारय समास है। तो जब इसकी व्याख्या करेंगे तो वहाँ पर हम बता देंगे। द्विगु समास, जिस पद में प्रथम पद संख्यावाची हो वह हमारा द्विगु समास होता है। और इसके अंदर बहुत सारे नियम हैं, किन किन पदों के साथ यह शब्द आएंगे तो यह समास होगा, यह शब्द आएंगे यह समास होगा। तो हम इसकी विस्तृत व्याख्या अब अगले वीडियो से एक एक समास के बारे में चर्चा करेंगे। हमको लगता है एक एक समास पढ़ाने में दो तीन वीडियो या दो तीन क्लास लगेगी, तो दो तीन क्लास में एक एक समास को क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सूत्र हैं। उन सूत्रों को छाट कर जो आपके लेवल का होगा उसी लेवल से आपको बताया जाएगा। तो आज हमने समास के बारे में चर्चा की, तो समास को हमने बताया था अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास है। अनेक पदों का एक पद हो जाना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। यह परिभाषा भी है कि अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास है, अनेक पदों का एक पद हो जाना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समास में सम उपसर्ग है, अस धातु है, घ प्रत्यय लगा है, और इसको जब मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, समास बन जाएगा। उसके बाद दिया है कि संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। समास का अर्थ ही होता है कि बड़े से बड़े पदों को छोटा कर देना और उस बड़े पद के समान ही उस छोटे पद से अर्थ निकलवा देना ही क्या कहलाता है, संक्षेपीकरण कहलाता है। समास छह प्रकार के होते हैं, इसकी चर्चा हमने की है। तो हम अगले वीडियो में किसी एक समास को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।